के बाबा की अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, बाबा की अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, जाने से तेरे कौम ये, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई। SM न्यूज़ के माध्यम से आज बाबा साहब अंबेडकर की वो जो संदेश जो हंस दो इंडिया भी प्रोग्राम करता आया 13 सालों से, इस बार बंद कर दिया गया, बड़े दुख की बात है। लेकिन वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, पहले वंचित समाज के बैरिस्टर बाबा साहब, जिसने बहरों को कान, गूंगों को जुबान, दलित पीड़ित शोषितों को ज्ञान, नारी को सम्मान, इस देश को पवित्र संविधान, गांधी को जीवन दान, माता कस्तूरबा को पति दान और हम सबको बौद्ध धर्म महान दिया, ऐसे बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर, रामजी अंबेडकर साहब के चरणों में ये पंक्तियां मैं अर्पित करता हूं। बाबा साहब की वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई है, 4 पंक्तियां मैं इस कविता के माध्यम से, SM न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कहना है कि बाबा की अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, बाबा की अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, जाने से तेरे कौम ये, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई। अधिकार के लिए जो अंतिम सांस तक लड़ा, अधिकार के लिए जो अंतिम सांस तक लड़ा, छोटे अछूत नीच को जो कर गया बड़ा, छोटे अछूत नीच को जो कर गया बड़ा, मनुवादियों की छाती पे भीम ही चढ़ा, हर हाल में बहुजनों के साथ जो खड़ा, हर हाल में बहुजनों के साथ तू खड़ा, अपनों का ही अपनों की दगाबाजी ही विनाश बन गई, चमचे दलालों से समाज दास बन गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई। बाबा की अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई। हम जी नहीं पाते हैं एक पल तुम्हारे बिन, हम जी नहीं पाते हैं एक पल तुम्हारे बिन, 2 बरस 11 महीने हमें याद हैं वो दिन, 2 बरस 11 महीने याद हैं 18 दिन, अधिकार संविधान के हमसे रहे थे छिन, अधिकार संविधान के हमसे रहे थे छिन, दहाड़ा तू गोल मेज में खुशहाल है बहुजन, दहाड़ा तू गोल मेज में खुशहाल है बहुजन, लाखों करोड़ों आंखें निराश हो गई, लाखों करोड़ों आंखें निराश हो गई, लाखों करोड़ों आंखें अब निराश हो गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश हो गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश हो गई। 4 पंक्तियां इस कविता की और मैं पढ़ रहा हूं। आज धरती आसमान संविधान रो पड़ा, आज धरती आसमान संविधान रो पड़ा, मजदूर हर गरीब हर किसान रो पड़ा, मजदूर हर गरीब हर किसान रो पड़ा, हर पत्थर दिल आदमी, हर पत्थर दिल आदमी इंसान रो पड़ा, हर पत्थर दिल आदमी इंसान रो पड़ा, महापुरुषों का वो त्याग बलिदान रो पड़ा, महापुरुषों का वो त्याग बलिदान रो पड़ा, 6 दिसंबर सभी के लिए, 6 दिसंबर सभी के लिए खास हो गई, आज खास हो गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश हो गई, बाबा की अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, इतिहास बन गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई, जाने से तेरे कौम जिंदा लाश बन गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये कविता लिखने का ये उद्देश्य था कि हमारे लोग जो जिंदा लाश हैं उन्हें ये समझना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि जिस कौम को मर मिटने का एहसास नहीं होता
उस कौम का दुनिया में कभी इतिहास नहीं होता। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, मेरे बच्चों तुम्हें एक दिन भारत का शासनकर्ता जमात बनना है। और मानवर साहब कांसीराम जी की वो बात को हम लोग जरूर याद करते हुए, हमें बाबा साहब के आज 6 दिसंबर के दिन हमें ये संकल्प लेना है कि आज एक कार्यक्रम बंद किया है सरकार ने, जो 5 दिसंबर की रात को चलता था, पूरी रात चलता था, वो अंतिम सांस बाबा साहब की हम लोग महसूस करने के लिए हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बाबा साहब के अनुयायी इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक में, उनके बंगले पे, उनके घर पे, उनकी जो कोठी है उस पर हम आते थे, लेकिन इस बार सरकार ने वो बंद कर दिया स्मारक में, लोगों को अंदर नहीं आने दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके SM न्यूज़ के माध्यम से कि पार्लियामेंट पर जो कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर का होता आ रहा है, उसमें संख्या जिस दिन कम होगी उस कार्यक्रम को भी वो लोग बंद कर देंगे। इसलिए अगली बार आज से सबक लें हमारे साथियों, और अगली बार 6 दिसंबर को सबसे पहले सुबह 6 बजे से नहीं, आप रात को 5 दिसंबर की रात को पार्लियामेंट के सामने आप लोग जाके बैठे, और 7 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होता है उस कार्यक्रम को अटेंड करें। सबसे पहले 11 बजे तक वो कार्यक्रम होता है, उसके बाद बाबा साहब के घर भी आप लोग यहाँ आएँ, और जहाँ जहाँ दिल्ली में बाबा साहब की यादें हैं वहाँ जाके बाबा साहब को स्मरण करें, नमन करें, और संकल्प लेके अपने समाज को अंबेडकरवादी बनाएं, मनुवादी विचारधारा से निकालकर, गैर बराबरी की विचारधारा से निकालकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मानवतावादी बुद्धिजीवी जो विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, उसमें अपने परिवार को, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को, समाज को जोड़ने का काम करें। यही बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस देश में जब तक मनुवाद है तब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को हमें कमज़ोर करने के लिए वह पूरी प्रयास और कोशिश करेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, मैं एक बीज हूँ, तुम जहाँ भी फेंकोगे वहाँ पे मैं उग जाऊँगा, एक पेड़ की भांति उग जाऊँगा। तो आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अंबेडकरवादी जो बीज है वो लाखों करोड़ों लोगों के रूप में पनप रहा है। एक दिन आएगा कि ये भारत बौद्ध में भी बनेगा, इस भारत का बहुजन समाज शासनकर्ता जमात भी बनेगा, इस देश को हम सम्राट अशोक की धरती फिर से बनाने में कामयाब होंगे, सोने की चिड़िया बनाने में कामयाब होंगे। SM न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के लिए बस 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जो बिक गया वो सारा गद्दारों का वंश है, जो चमचा बन गया, दलाल बन गया, हजारों लाखों संगठन बना के बाबा साहब की विचारधारा को कमज़ोर करने का काम कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहा है, एक बहन जिसने संकल्प लेकर पूरा जीवन लगाया है उसी पर उंगली उठाने का काम कर रहा है, आदरणीय बहन जी को रोकने का काम कर रहा है, उससे मैं कहना चाहता हूं कि जो बिक गया वो सारा गद्दारों का वंश है, और जो ना बिका उसमें ही बाबा साहब अंबेडकर का अंश है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय कांशी राम। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।